हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन न्यू वीडियो। सो गाइज, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को अपडेट देने वाला हूँ हमारे दिवाली विश इवेंट को लेके, कि कौन कौन से रिवॉर्ड आपको दिवाली विश इवेंट के अंदर देखने को मिलने वाले हैं, कंफर्म डेट क्या रहने वाली है, कब आने वाला हमारे इंडिया सर्वर के अंदर दिवाली विश इवेंट। तो इंडिया सर्वर और बांग्लादेश सर्वर के अंदर दिवाली विश इवेंट कब आपको देखने वाला है, तो गाइज आपने वीडियो का थंबनेल तो देख ही लिया होगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंफर्म डेट बताने वाला हूँ दिवाली विश इवेंट की। साथ ही गाइज अपडेट देने वाला हमारे मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट को लेके, कि OP46 अपडेट के बाद में कौन कौन से बंडल आपको मैजिक क्यूब स्टोर के अंदर एक्सचेंज करने को मिलने वाले हैं, इससे रिलेटेड अपडेट देने वाला। साथ ही गाइस अपडेट देने वाला हमारे गेम के अंदर आने वाले बनी बंडल इवेंट को लेके। तो गाइस हमारे ऑल बनी बंडल का इवेंट जो है कंफर्म हो चुका है, कब आने वाला है, कंफर्म डेट क्या रहने वाली है, इससे रिलेटेड भी अपडेट देने वाला हूं। सो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए आ रहे हो और अभी तक आपने गाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो गाइस Lutera04FF फैमिली के मेंबर बन जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पे सेट कर लीजिएगा। इसी के साथ और भी बहुत सारे अपकमिंग इवेंट्स को लेके भी अपडेट देने वाला हूँ। सो हमारे गेम के अंदर आने वाले अपकमिंग इवेंट्स और अपडेट रिलेटेड वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे ईवो बंडल्स रिटर्न को लेके। सो आप सभी के बहुत सारे कॉमेंट्स आ रहे थे कि लुटेरा भाई कौन सा ईवो बंडल हमारे गेम के अंदर OP46 अपडेट के बाद रिटर्न आएगा। सो उससे रिलेटेड अपडेट दे दो कि पैराडॉक्स ईवो बंडल आएगा, स्कॉर्पियन ईवो बंडल आएगा, या फिर रैम्पेज वो बंडल आएगा, या फिर कोबरा बंडल, या फिर बोया बंडल। तो गाइस कौन सा बंडल आने वाला है, ये सभी के आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे। सो आज की इस वीडियो के अंदर आपको जो है कंफर्म अपडेट देने वाला हूं कि OP46 अपडेट के बाद आ रहा है गेम के अंदर कौन सा वो बंडल रिटर्न आने वाला है। सो वीडियो पे गाइस चैनल पे नए आ रहे हो, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दिया। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, जो कि आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं वो बहुत ज्यादा ओपी वाली होने वाली है। तो गाइस हमारा स्कॉर्पियन वो बंडल जो है गाइस वो रिटर्न आने वाला हमारे गेम के अंदर से अपडेट निकल के आ रही है कि हमारे इंडिया सर्वर और बांग्लादेश सर्वर के लिए। गाइज हमारे इंडिया सर्वर और बांग्लादेश सर्वर के लिए फाइनली गाइज स्कॉर्पियो ईवो बंडल, जो कि स्कॉर्पियो ईवो बंडल है गाइज, वो रिटर्न आने वाला है, यहाँ पे गाइज कंफर्म हो चुका है। इसी के साथ गाइज नवंबर एंड दिसंबर मंथ के अंदर हमारे गेम के अंदर न्यू विंटर इवेंट आने वाला है। तो गाइज उसी के बाद में गाइज हमारा जो गाइज अब फॉरेस्ट फायर वाला जो ईवो बंडल है गाइज, वो भी आपको रिटर्न से देखने को मिलेगा, वो आने वाला दिसंबर मंथ के अंदर। इसी के साथ गाइज जनवरी मंथ के अंदर जो हमारे गेम के अंदर नारुतो इवेंट आने वाला है January 2025 के अंदर, सो उससे रिलेटेड भी बहुत सारी अपडेट्स मिल चुकी है गाइज। उससे रिलेटेड भी अपडेट मैं आपको आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर शेयर करने वाला हूँ, बंडल्स के प्रेडिक्शन अपडेट, और साथ ही कौन कौन सी वेपन्स के ऐड होंगे, कौन कौन से फायदे की स्किन ऐड होंगी, कौन कौन से इमोट्स ऐड होंगे, उनसे रिलेटेड भी अपडेट दूंगा। सो अभी के लिए गाइस यहाँ पे अपडेट निकल के आ रही है हमारे सितंबर मंथ के अंदर जो है स्कॉर्पियन ईवो बंडल गाइस फाइनली रिटर्न आने वाला है। सो गाइस डायमंड सेव कर लीजिए और हमारे इंडिया सर्वर के अंदर और साथ ही बांग्लादेश सर्वर के अंदर आपको स्कॉर्पियन ईवो बंडल जो है सितंबर मंथ के अंदर रिटर्न देखने को मिल जाए। तो गाइस डायमंड बहुत सारे लगने वाले हैं, तो डायमंड्स को सेव कर लीजिए। यहाँ पे अपडेट निकल के आ रही है कि आपको स्कॉर्पियन ईवो बंडल जो है टोकन टावर इवेंट के अंदर देखने को मिलेगा। सो डायमंड गाइस यहाँ पे बात करें 3,000 से 4,000 डायमंड आपके लग जाएंगे। अभी पढ़ते गाइस हमारे आज के इस वीडियो का मेन टॉपिक दिवाली विश इवेंट की ओर। तो आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि लुटेरा भाई दिवाली विश इवेंट पे कौन कौन सी आइटम्स आपको देखने को मिलने वाली है, बता दो गाइस कि लुटेरा भाई कब आएगा दिवाली विश इवेंट और कौन कौन सी आइटम्स देखने को मिलने वाली। तो गाइस मैं आप सभी के साथ इससे रिलेटेड अपडेट शेयर करने वाला हूँ, इवेंट बैनर आपने देख ही लिया था, सो कुछ इस तरीके का। सो गाइस यहाँ पे गाइस हमारे दिवाली विश इवेंट को लेकर अपडेट निकल के आ रही है हमारा लोल इमोट। जो गाइस हमारा लोल इमोट आपको पता ही है गाइस क्या ही लेजेंडरी वाला इमोट है, लोल इमोट रिटर्न आने वाला है। थ्रोन इमोट FFWC का जो FFWC का जो थ्रोन इमोट है गाइस वो रिटर्न आने वाला है, लोल इमोट रिटर्न आने वाला है, रोज इमोट आपको देखने को मिलेगा, पायरेट फ्लैग इमोट गाइस वो भी आपको रिटर्न देखने को मिलेगा दिवाली विश इवेंट के अंदर। सो इसी के साथ गाइस हमारा न्यू वाला गोल्डन शेड बंडल भी आने वाला, मस्टिक ओरा बंडल, और इसी साथ गाइस गोल्डन शेड बंडल है, इस बंडल को लेके भी अपडेट निकल के आ रही है कि आपको दिवाली विश इवेंट के अंदर गोल्डन शेड बंडल, डॉक्टर शैंटी बंडल, सो डॉक्टर शैंटी बंडल वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ गाइस आर्टिक ब्लू लेके अपडेट निकल के आ रही है, साथ ही गाइस हमारा पर्पल शर्ट बंडल भी आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलने वाला है, इससे बंडल को बीच अपडेट जो है निकल के आ चुकी है। सो गाइस मैं सॉरी यहाँ पे जो रिव्यू शेयर नहीं कर पाया हूँ पर्पल शर्ट बंडल का, तो पर्पल शर्ट बंडल लेके भी जो अपडेट निकल के आ चुकी है। इसी के साथ गाइस अपडेट निकल के आ रही है कि हमारे इंडिया सर्वर और बांग्लादेश सर्वर के अंदर आपको इलेक्ट्रिक शॉक बंडल भी रिटर्न देखने को मिलेगा, और इसी के साथ गाइस हमारा आर्टिक ब्लू बंडल है वो भी आपको यहाँ पे दिवाली विश इवेंट के अंदर देखने को मिलने वाला है। ब्लैक टर्टल नेक, व्हाइट टर्टल नेक वाली जो टी शर्ट है गाइज आप इनका वेट कर रहे थे, तो गाइज फाइनली बहुत सारे डायमंड्स को सेव कर लीजिए, कम से कम 10,000 से 15,000 डायमंड तो गाइज सेव कर लीजिए हमारे इंडिया सर्वर के अंदर। फाइनली दिवाली विश इवेंट, दिवाली काटने वाली इवेंट आने वाला है। सो जहाँ पे आपको ब्लू डायनो बंडल, गोल्ड क्लोन बंडल जो की गाइज एक जोकर बंडल है गोल्ड वाला, सो गोल्ड क्लोन बंडल आपको देखने को मिल जाएगा, ग्राफिट बंडल आपको देखने को मिल जाने वाला है, गोल्ड थ्रेटा बंडल आपको देखने को मिल जाने वाला है। सो सभी के सभी बंडल गाइज ये वाले बंडल आप देख पा रहे हो, ये वाले बंडल आपको
दिवाली विश इवेंट के अंदर गाइस हमारे इंडिया सर्वर और बांग्लादेश सर्वर के अंदर रिटर्न देखने को मिलेंगे। सो ग्राफिक बंडल आप देख पा रहे हो गाइस, इसी के साथ गाइस बैटल वुल्फ बंडल गाइस जो कि सबको पता है। सो जो ओल्ड प्लेयर गाइस उनको तो पता ही होगा गाइस ये बंडल कितना रेयर था, मतलब कितना रेयर है और कितना रेयर था। सो ये वाला बंडल भी आने वाला है, इसी के साथ ब्लू क्रिमिनल, ग्रीन क्रिमिनल, पर्पल क्रिमिनल बंडल को लेके भी चांसेस निकल के आ रहे हैं कि आपको दिवाली विश इवेंट पे गाइस हमारे गेम के अंदर, हमारे इंडिया सर्वर के अंदर क्रिमिनल बंडल्स भी जो है रिटर्न देखने को मिलेंगे। इसी के साथ बहुत सारी वेपन स्किन आने वाली है, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी वेपन स्किन आपको देखने को मिलेगी। सो आप जिन भी वेपन स्किन का वेट कर रहे हैं तो गाइस फाइनली आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है, जैसे कि पोकर MP40 की स्किन, टाइटन स्कार की स्किन गाइस यहाँ पे रिटर्न आने वाली है। मतलब दिवाली विश इवेंट के अंदर आपको टाइटन स्कार की स्किन जो है रिटर्न देखने को मिलेगी। इसी के साथ गाइस पोकर MP40 की स्किन को लेके भी अपडेट निकल आ रही है, पोकर MP40 की स्किन भी आपको जो है दिवाली विश इवेंट के अंदर देखने को मिलने वाली है। रैम्पेज M10 के बारे में तो गाइस रैम्पेज M10 के रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि लुटेरा भाई कोई अपडेट है तो कन्फर्म अपडेट बताओ मुझे। सो इसी के साथ गाइस जो शिवा डॉग जो वाली है, शिवा पेट वाली जो गाइस हमारी जो M10 की स्किन थी वो आने वाली है। इसी के साथ गाइस यूनिकॉर्न वाली जो एक गाइस इनक्यूबेटर वाली, जिन जो की ओल्ड प्लेयर है उनको तो गाइस ये पता ही होगा, तो गाइस 2018 में जो खेलने वाले प्लेयर्स है उनको पता होगा यूनिकॉर्न एक वाला। सो ये यूनिकॉर्न वाली एक को लेके भी अपडेट निकल के आ रहा है कि ये वाली गन स्किन भी आपको हमारे गेम के अंदर हमारे इंडिया सर्वर और बांग्लादेश सर्वर के लिए रिटर्न से देखने को मिलेगी। अब कब आने वाला है ये वाला दिवाली विश इवेंट, अब इसके बारे में बात करें तो गाइस हमारा दिवाली इवेंट का पीक डे रहेगा गाइस दिवाली नवंबर मंथ के अंदर। सो दिवाली के अंदर ही गाइस दिवाली मंथ के अंदर जो है आपको देखने को मिलेगा। सो गाइस जो दिवाली विश इवेंट है ये दिवाली स्पेशली आपको हमारे इंडिया सर्वर के अंदर देखने को मिलने वाला है, मतलब कि दिवाली विश इवेंट है नवंबर मंथ के अंदर आने वाला है। सो गाइस अभी तक जो है इवेंट बैनर, अभी तक ऑफिशियल इवेंट बैनर नहीं निकल के आया है, जैसे ही ऑफिशियल इवेंट बैनर आ जाएगा मैं आपको कंफर्म डेट बता दूंगा। सो यहाँ पे मंथ निकल के आ चुका है कि नवंबर मंथ के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। इसी के साथ गाइस बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट हमारे बनी बंडल्स के बारे में। सो आप सभी को बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि लुटेरा भाई बनी बंडल इवेंट कब आएगा, बनी बंडल का इवेंट कब आने वाला है। सो गाइस बनी बंडल्स को लेके भी मुझे लीक्स मिली थी, जैसे कि मैंने आप सभी के साथ एक वीडियो के अंदर भी शेयर किया था कि हमारे बनी बंडल जो है रिटर्न आने वाले हैं। सो बनी बंडल जो गाइस हमारे ओल्ड वाले जो बनी बंडल है वो रिटर्न आने वाले हैं, न्यू वाले बनी बंडल्स का इवेंट आने वाला। तो गाइस ये सभी के सभी बंडल जो हमारे इंडिया सर्वे के अंदर जो आपको एक ही इवेंट के अंदर देखने को मिल जाने वाले हैं। तो यहाँ पे अपडेट निकल के आ रही है हमारा मास्टरमाइंड बनी मंडल, कैप्टन बनी मंडल, रिंग ट्रेडर, लिंग लीडर जो बनी मंडल है वो गाइस, और साथ ही जो हेडमैन बनी मंडल है वो, और साथ ही जो हमारा वॉरियर बनी मंडल है, बनी क्वीन बंडल है गाइस, सेक्सी बनी मीम जो कि फीमेल वाला बंडल है। तो ये सभी बनी मंडल जो गाइस एक ही इवेंट के अंदर रिटर्न आने वाले हैं, जो कि इवेंट बहुत ही जल्द आने वाला है। सो OB46 अपडेट का आने गाइस ये वाला इवेंट देखने को मिल जाएगा, इससे रिलेटेड मेरे को प्रेडिक्शन अपडेट मिली है। सो अभी गाइस मंथ के बारे में बात करें तो गाइस अक्टूबर एंड मतलब सितंबर एंड अक्टूबर मंथ के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। सो ऑफिशियल इवेंट बैनर का गाइस वेट कर लीजिए, जैसे ही ऑफिशियल बैनर कंफर्म होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इससे रिलेटेड कंफर्म अपडेट भी दे दूंगा कि ये वाला इवेंट अब आने वाला है, ये कंफर्म डेट रहेगी, इतने डायमंड आपके लगेंगे। सो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो अलग से अपडेट दे दूंगा जैसे ही ऑफिशियल इवेंट बैनर रहेगा। सो अभी के लिए गाइस ये वाले रिवॉर्ड्स आपको देखने को मिलने वाले, जब भी ये इवेंट आएगा सभी रिवॉर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे। मास्टरमाइंड टीम के ऊपर जो बेस है गाइस मास्टरमाइंड बनी बंडल की टीम के सभी बंडल आपको एक्सचेंज करने को मिलेंगे। सो बाकी के बंडल आपको रिंग इवेंट के अंदर देखने को मिलने वाले। तो गाइस अभी तक आपने वो रिंग इवेंट का रिव्यू वीडियो नहीं देखा है तो जाके ऑल बनी बंडल रिटर्न वाली वीडियो को जाके चेकआउट कर लीजिए। अब वीडियो का लिंक आपको पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा, सो आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो उस वीडियो को। तो गाइस उसके अंदर मैंने जो बनी बंडल ऑल बनी बंडल रिटर्न की रिंग इवेंट का रिव्यू शेयर किया कि कौन कौन से बनी बंडल हमारे गेम के अंदर रिटर्न आने वाले हैं। सो जाके चेकआउट जरूर से करिएगा। चैनल पे नया होगा, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लुटेरा 04FF फैमिली के मेंबर बन जाइएगा। बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा गाइस, हमारे गेम के अंदर आने वाले अपकमिंग इवेंट्स एंड अपडेट रिलेटेड वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो चैनल पे जो भी नया हो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा गाइस। अभी बढ़ते हैं गाइस हमारी आज के इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, हमारे इंडिया सर्वर के अंदर आने वाले नेक्स्ट मैजिक क्यूब बंडल्स को लेके कि कौन कौन से बंडल्स आने वाले हैं। आप सभी को बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हमारे गेम के अंदर न्यू बनी बंडल कौन से आने वाले हैं। सो गाइस अभी तक गाइस कंफर्म तो नहीं हुआ, बट यहाँ पे प्रेडिक्शन अपडेट जो निकल के आ रही है। सो आप यहाँ पे बंडल्स देख पा रहे हो गाइस, ये वाले बंडल जो आप देख पा रहे हो गाइस ये वाले भी बनी बंडल है, बट बनी बंडल नहीं है, इनक्यूबेटर वाले बंडल है। तो ये वाले बंडल्स को लेके अपडेट नहीं आ रही कि ये वाले बंडल आपको आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर जो मैजिक क्यूब अपडेट आने वाला है, मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट आने वाला है उसके अंदर देखने को मिलने वाला है। सो गाइस यहाँ पे प्रेडिक्शन अपडेट है, कंफर्म नहीं है। सो ओनली पॉसिबिलिटी है कि आ सकते हैं गाइस। यहाँ पे 10 बंडल्स का मैंने न्यू 10 बंडल्स का रिव्यू शेयर किया है। सो मैस्टिक ओरा बंडल, सॉरी मास्टिक शिखर बंडल जो कि मेल बंडल है, इसी का फीमेल बंडल, साथ ही गाइस एज ऑफ गोल्ड बंडल इसी का फीमेल बंडल। सो ऐसे टोटल 10 बंडल्स का मैंने जो है रिव्यू किया, कमांडर बंडल, सोल्जर बंडल। सो ये सभी का बंडल जो है टोटल 10 बंडल है गाइस। इनमें से गाइस 5 से 6 बंडल आपको जो OB46 अपडेट के बाद जो मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट आने वाला है उसके अंदर देखने को मिल जाएंगे, नहीं तो गाइस जो कल या परसों गाइस ऑफिशियल इवेंट बैनर आ जाएगा
तो उन बंडल्स का भी मैं रिव्यू शेयर कर दूंगा। सो अभी रिलीज जो प्रेडिक्शन अपडेट निकल के आ रही है, आप सभी कमेंट्स आ रहे थे कि कौन से बंडल आने का चांसेस है लुटेरा भाई, उससे रिलेटेड अपडेट दे दो। सो इन बंडल के आने के चांसेस है गाइस 10 में से 6 या 7 बंडल मेरे को लग रहा है कि आ जाएंगे। सो यहाँ पे गेम के अंदर सी प्रेडिक्शन अपडेट निकल गया इंडोनेशिया सर्वर और इंडिया सर्वर के अंदर से, कि इन मंडल को हमारे इंडिया सर्वर और इंडोनेशिया सर्वर के अंदर लाया जाएगा OB46 अपडेट के बाद में। सो इन मंडल्स को लेकर अपडेट नहीं ले आ रही है, मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर कर दूं। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो वर्ल्ड फायर जो कि वेगट बंडल है गाइस, ये वाला बंडल आने वाला है। सो ये वाले बंडल को लेकर गाइस हाईली चांसेस है कि ये वाला बंडल आपको OB46 अपडेट आना है। मैजिक स्टोर अपडेट के अंदर मैजिक स्टोरियम स्टोर के अंदर एक्सचेंज करने को मिलने वाला है। इसी के साथ इन इनक्यूबेटर वाले बंडल को लेकर गाइस 20-30% चांसेस है कि ये वाले बंडल आ सकते हैं, क्योंकि गाइस ये रेयर बंडल नहीं रहे क्योंकि लास्ट वाले हो चुके हैं। सो इनक्यूबेटर वाले लास्ट वाले बंडल को क्या किया जा रहा है, कुछ साल से कुछ मंथ से हमारे गेम के अंदर जो है इनक्यूबेटर के जो लास्ट वाले बंडल होते हैं वो वाले बंडल्स को गाइस मैजिक स्टोर के अंदर एक्सचेंज करने को दिया जाता है। तो ये वाले बंडल्स को लेके भी प्रेडिक्शन अपडेट निकल आ रही है कि ये वाले बंडल आपको एक्सचेंज करने को मिल सकते हैं। इसी के साथ गाइस आज की इस वीडियो के अंदर आपको कौन सा इवेंट सबसे ज्यादा पसंद आया कमेंट जरूर से करिएगा। और चैनल पे नया होगा चैनल को भी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पे सेट कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने एक फ्रेंड में जरूर शेयर कर देना इस वीडियो को, ताकि वो भी गेम के अंदर आने वाले अपकमिंग इवेंट्स एंड अपडेट्स के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाए उसे भी, कि कौन सा फ्री इवेंट आने वाला है कौन सा पेड इवेंट आने वाला है, ताकि वो भी डायमंड्स को सेव कर सके और कुछ आइटम्स को निकाल सके। सो जो भी फ्री फायर के फैन होगा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज